We are going to start another new chapter, that is chapter number 5, Working with Paint. Chapter name is Working with Paint. In this chapter, we are going to learn various features of Microsoft Paint. Microsoft Paint, frequently called Paint or MS Paint, is a simple graphics program to draw pictures on the screen and paint them with different colors. माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है, जिसे हम MS पेंट और पेंट भी बोल देते हैं, ये क्या है, एक ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम अपनी स्क्रीन पर डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें कलर्स फिल कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेंट. वी कैन यूज पेंट फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग पिक्चर्स. हम पेंट को किस लिए यूज करते हैं, कोई भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए या फिर उस पिक्चर को एडिट करने के लिए. द सेकेंड फीचर इज विथ दिस प्रोग्राम वी कैन क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर्स, कार्टून्स, मैप्स एटसेट्रा. वी कैन ऑल्सो यूज पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन्ड पिक्चर्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ओपन पेंट. देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, लेट्स सी. Click on Start. Now choose All Programs. Click on Accessories. Now click on Paint Program. Your paint window will open. We can work in the paint with the help of tools present in the Tools and Shapes group on the Home tab. Tools group एंड शेप्स ग्रुप, इन दोनों की हेल्प से हम पेंट में काम कर सकते हैं. टू सिलेक्ट एनी शेप, मूव द माउस पॉइंटर टू द टूल इन द शेप्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन इट. कोई भी शेप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. जब हमारा कोई टूल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम अपने माउस पॉइंटर को ड्रॉइंग एरिया पर मूव करेंगे. आपका जो पॉइंटर है वो क्रॉस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू the direction where you want to draw the shape. It is using shapes tool. Select any shape in the shapes group. कोई भी shape हम यहाँ से select कर सकते हैं. Now click on the drop down arrow next to the size to choose the line size. Line की thickness हम यहाँ से select कर सकते हैं. Click on the color one to choose a color for the outline. Shape की outline का color कौन सा होना चाहिए, हमने यहाँ select किया yellow. Now click on the color two to choose a color to fill the shape. Shape के अंदर कौन सा color होना चाहिए, उसके लिए हमने choose किया red color. अब यहाँ हम outline option पे click करेंगे line style को change करने के लिए. और अब यहाँ पर हम fill option को choose करेंगे, fill style कैसा होना चाहिए. Okay? Now move the pointer to the drawing area and drag to draw the oval shape like this. Next one is using color picker tool. What is the use of color picker tool? Color picker tool का क्या use है? Color picker tool से हम एक object में जो color fill किया हुआ है, ditto हमें वही color दूसरे object में fill करना है, उसके लिए हम color picker tool use करेंगे. Draw the objects as shown in the figure. दो objects हमने draw करने हैं. Color the rectangle only. हम सिर्फ रेक्टेंगल को कलर करेंगे फिल विथ कलर टूल से. सिलेक्ट द कलर पिकर टूल, यहाँ पर हम कलर पिकर टूल को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट टू कॉपी द कलर, यहाँ पर हमारा कलर कॉपी हो गया. मूव द माउस पॉइंटर एंड क्लिक ऑन द सर्कल टू फिल द सेम कलर इन इट. सेम कलर फिल हो गया ना, सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी. नेक्स्ट इज सिलेक्ट टूल. सिलेक्ट टूल इज यूज टू सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट वी वॉन्ट टू चेंज. पिक्चर का कोई भी पार्ट हमें चेंज करना हो, उसके लिए हम सेलेक्ट टूल को चूज करेंगे, उस पोर्शन को सेलेक्ट करने के लिए. द सेलेक्ट बटन इज प्रेजेंट इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब. क्लिकिंग दिस बटन ओपन्स अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड सेकेंड इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, दिस टूल सेलेक्ट्स द ऑब्जेक्ट इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है. ड्रॉ द मिक्की माउस लाइक दिस. क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. प्लेस द माउस पॉइंटर जस्ट आउटसाइड द एरिया टू बी सिलेक्टेड. क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन
and then drag around the outer boundary of the object. Release the mouse button when it is completely selected. जब हमारा पूरा select हो जाता है, हमने mouse button को release कर देना है. The second one is free form selection tool. Free form selection tool is used to select the part of an image in an irregular shape. कोई भी शेप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. We can even drag the selected portion and place it on the another location. Select the free form selection tool, place the pointer on the drawing area. Select the object. यहाँ पर हमने no select किया है. By holding the left mouse button and moving the pointer around the outer boundary of the object. Release the mouse button after selecting the object. No select करने के बाद हमने release कर दिया. Drag the nose towards the left. हमने left में जाके drag कर दिया nose को और वहां जाके हमने release कर दिया. Now click on the undo button. Undo button पे अगर आप click करोगे तो nose है वो वापस वहीं चला जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ कार इन अ न्यू फाइल एंड सेव इट विद द नेम कार. कार के नेम से हमने सेव कर दिया. नाउ सेलेक्ट द ड्रॉइंग और एनी पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टूल. सेलेक्ट कर लिया हमने. अ रेक्टेंगल विद डैश लाइंस विल अपीयर अराउंड द पिक्चर. क्लिक ऑन द कट ऑप्शन. कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम. Observe that the selected picture will be removed from the screen. Screen से जो हमने picture select की थी वो remove हो गई. Next is using paste option. Paste option का use देखेंगे अब हम. Click on the paste option. Now object that you have cut will reappear on the top left corner of the drawing area. जो हमने cut किया था object वो वापिस आ गया है screen पर top left side में. Okay. Place the mouse pointer on it and drag it to the desired location and release the mouse button. जहाँ पर भी हमें चाहिए वहाँ जाके हम release कर सकते हैं button. Next is copying an object. Copy command से क्या होता है, हमें किसी object की duplicate copy मिल जाती है. First of all we have to select the drawing by using the select tool. Select tool से हम अपनी drawing को select कर लेंगे. Now select the copy command on the home tab. Click the paste command in the clipboard group on the home tab. Okay, a duplicate copy of the object appears on the top left corner of the drawing area. You can move your picture to any location. Drawing different shapes. We can draw different shapes in paint. Paint में हम different shapes draw कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ ready-made shapes भी हैं. Select any shape. Hold down the left mouse button and drag the mouse. We can change the appearance of ready-made shapes as per our need. हम अपनी शेप्स की जो रेडीमेड अपीयरेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं. आउटलाइन ऑप्शन पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आउटलाइन हमें कैसी चाहिए. फिर हम साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइन की थिकनेस कैसी होनी चाहिए. ओके और कलर वन ऑप्शन से और कलर टू से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. कलर वन से हम कलर आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए, कलर टू में शेप का कलर कैसा होना चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर हमें अंदर उसके कोई भी कलर नहीं चाहिए तो वी विल सेलेक्ट नो फिल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिपिंग द पिक्चर. फ्लिपिंग मींस टू टर्न और रोटेट द पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. हम अपनी पिक्चर को टर्न या फिर रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग. फॉर फ्लिपिंग क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट द पिक्चर. पिक्चर सेलेक्ट कर ली. नाउ सेलेक्ट द रोटेट ऑप्शन. रोटेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम. यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे जिससे हमारी पिक्चर फ्लिप हो सकती है. लाइक दिस यू कैन सी द चेंजेस. नेक्स्ट इज रीसाइज और स्क्यू द पिक्चर. हम अपनी पिक्चर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, इसको बड़ा करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ और इसको डिक्रीज करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ. सेलेक्ट द ड्रॉइंग बाय कवरिंग इट्स आउटर बाउंड्री यूजिंग द सेलेक्ट टूल. सेलेक्ट कर लिया हम अपने ड्रॉइंग को. सेलेक्ट द रीसाइज ऑप्शन. रीसाइज ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर हम अपने साइज को बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमें इंक्रीज करना है, हॉरिजॉन्टल कितना करना है, वर्टिकल कितना करना है. यहाँ लिखने के बाद वी विल क्लिक ऑन ओके.
Next topic is using text tool. With the help of text tool, you can add text to the drawing. हम अपनी drawing में text add कर सकते हैं text tool की help से. How? See. Click on the home tab. Home tab पे click करेंगे. Select the text tool. Text tool यहाँ पर tools group में present है. Now move the pointer to the drawing area and click on it. A rectangle appears with the cursor inside it. यहाँ से हम अपना font space, font style, font size change कर सकते हैं. Okay? Type the text. यहाँ हम rectangle में अपना text type करेंगे. Okay? In the colors group, click on the color one. Color one पे click करने पे हम अपने text का color choose कर सकते हैं. और फिर हम बोल्ड बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा. आइटलिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा कर्सिव में हो जाएगा. एंड अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. स्ट्राइक थ्रू में हमारे टेक्स्ट पे एक लाइन लग जाएगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट. बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज ट्रांसपेरेंट. जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड होता है वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है. हम अपना बैकग्राउंड टेक्स्ट बॉक्स का चेंज भी कर सकते हैं. वो किस में कर सकते हैं? ओपेक में. सी, चूज द टेक्स्ट बॉक्स हूज कलर यू वांट टू चेंज. क्लिक ऑन द ओपेक बटन प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप. ओपेक यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द कलर टू बटन फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. कलर टू पे हम सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट द डिजायर्ड बैकग्राउंड कलर. You will observe that the color selected color will reflected in your text box. Transparent. On selecting the transparent option पे select करते हुए हमारा जो text color है वो तो same ही रहेगा जो हमने select किया है. Background color है वो change नहीं होगा, वो transparent ही रहेगा. Choose the text box where you want to apply the transparent effect. Select the transparent option from the background group. You will observe that the text will have the selected color but the background is transparent. Background क्या है? हमारा transparent है. और जो हमारा text का color है वो जो हमने color 1 में select किया हुआ था वही है. Next topic is zooming the picture. Zooming means to increase or decrease the view size of the given picture in any ratio. इस पिक्चर का व्यू साइज हमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, दैट इज जूम इन और जूम आउट. हियर आई हैव ड्रॉन अ स्माइलिंग फेस. क्लिक ऑन द जूम इन ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द व्यू टैब. व्यू टैब में आपको जूम इन ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पर हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट से हम जूम आउट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द जूम टू 100% ऑप्शन. द पिक्चर विल कम बैक टू द नॉर्मल साइज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अ ड्रॉइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. कोई भी ड्रॉइंग को हमने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना हो वो कैसे करेंगे? सी, पेंट बटन सेट. सिलेक्ट द सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. सिलेक्ट एनी ऑफ द थ्री ऑप्शन, फिल, टाइल और सेंटर फ्रॉम द सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पैनल. इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करोगे आपकी जो ड्रॉइंग है वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी. हाउ टू क्रिएट अ न्यू ड्रॉइंग. न्यू ड्रॉइंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सी, क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन. न्यू पे क्लिक करते ही हमारी न्यू ब्लैंक ड्रॉइंग आ जाएगी. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ओपनिंग एंड ओल्ड ड्रॉइंग. कोई भी ओल्ड ड्राइंग जो हमने पहले से सेव की हुई है उसको ओपन कैसे करेंगे? हियर क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सिलेक्ट ओपन ऑप्शन. यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम टाइप भी कर सकते हैं और फाइल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिस फाइल को हमने ओपन करना है. ओके, क्लिक ऑन द ओपन बटन. योर फाइल विल बी ओपन्ड. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव डन विद आवर चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विद paint. Do practice it, revise it, and learn it. Take care. Bye bye.